इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर की अहम खबरों पर एक नज़र डालने से पहले बेलगाम का मर्तबा और किस मामले में बुलंद हो रहा है इस पर भी तवज्जो करना जरूरी है। हासिल इत्तला के मुताबिक बेलगाम जिला रिश्वतखोरी में अव्वल नंबर पर पहुंच गया। इसे अब शर्म की बात कहे या कुछ और कहा जाए, लिहाजा बेलगाम को रिश्वतखोरों की फहरिस्त में ऊंचा मर्तबा हासिल हुआ है। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी के मामले बेलगाम जिले में दर्ज किए गए। ताज्जुब की बात तो यह है कि महज कार्रवाई के आंकड़े हैं, कितने मामले ऐसे होंगे जो टेबल के नीचे से सेटल किए जाते होंगे, ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। 2016 में महज 16 मामलों में कार्रवाई हुई थी, जो अब 74 हो चुकी है। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई जारी रखी है। उमूमन यह देखा जाता है कि सरकारी महकमों में किसी काम को लेकर जाओगे तो रिश्वत पूछी जाती है, अगर आप इनकार करते हैं तो कानूनी दावपेच में फंसाया जाता है और काम को जानबूझकर ताखीर किया जाता है। अक्सर ईमानदार लोगों को सरकारी दफ्तरों की दहलीज पर जूते घिसने पड़ते हैं। रिश्वत अदा करते हो तो अजीजी से पेश आते हैं, अगर इनकार करते हो तो कहां जाकर कंप्लेंट करते हो करो की जबान इस्तेमाल की जाती है। लिहाजा इनसे उलझने से बेहतर है जो भी दे लेके काम को मुकम्मल करने की कोशिश हर कोई करता दिखाई देता है। बहुत कम लोग रिश्वतखोरों के खिलाफ मुकदमा या फरियाद करते हैं, लिहाजा नतीजा यह हुआ कि तकरीबन दफ्तरों को रिश्वतखोरी की दीमक लग चुकी है। अदालत और सरकार की हिदायत पर बेलगाम, धारवाड़, बागलकोट, गदग, बीजापुर में छापेमारी की है, जिसमें सिर्फ बेलगाम में ही तकरीबन 25 मामलों में कार्रवाई की तला हासिल हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी के मामले बेलगाम में होने की बात कही जा रही है, लेकिन एसीबी की कार्रवाई से कुछ रिश्वतखोरों की कमाई में कमी आने की भी बात सामने आ रही। सामाजिक खिदमतगार और साबिक मेयर नागेश सातिरी ने शहर तरक्याती वजीर बी ए बसवराज से मुलाकात फरमाई। वाजा रहे कि तरक्याती वजीर बसवराज बेलगाम दौरे पर हैं, तमाम तरक्याती कामों का जायजा ले रहे। साबिक मराठी कारपोरेटर के वफद ने तरक्याती कामों की धीमी रफ्तार और दिगर परेशानियों का ब्यौरा वजीर तरक्याती बसवराज के सामने रखा तो मौजूदा अवामी नुमाइंदों ने एतराज करते हुए बहस मुबासा करना शुरू किया। वजीर रियासत के सामने तू मैमा होते देखेंगे, जिस पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। नागेश सातेरी ने बेलगाम शहर में तरक्याती कामों की रफ्तार न के धीमी है, बल्कि तमाम सफाई से लेकर बिजली पानी सड़क के काम अब भी 70% तक मुकम्मल होने की बात कही गई। लिहाजा अवामी नुमाइंदों ने एतराज कर बहस वजीर रियासत के सामने करनी शुरू की। आखिर में दोनों को खामोश करा गया, फरियाद करने वालों को और बहस करने वालों को अलग किया गया। ये भी बात उतनी ही सच है कि तरक्याती वजीर ने कहा कि मेरी गुलपोशी कर मुझे खुश करने से बेहतर है कि तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। कॉर्पोरेशन इंतखाबात को लेकर अभी भी तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही, जिसे ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अभी भी खुलकर सामने आने से कतरा रहे। वैसे भी चुनाव या इंतखाबात से मुराद पैसा खर्च करना होता है। क्या मार्च में चुनाव होंगे या नहीं के कश्मकश में मुस्तकबिल के कॉर्पोरेटर परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ उम्मीदवार तो पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, कहीं इंतजार में इंतकाल ना हो जाए इसलिए बार बार कॉर्पोरेशन में जाकर पूछताछ करते रहते हैं। जहां से भी मुमकिन खबर मिलती है हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, उम्मीद में कुछ उम्मीदवारों के बाल सफेद भी हो रहे। लिहाजा मार्च में किसी हाल में इंतखाबात होने की खबर सुनकर खुश हुए थे, पर अभी भी यकीनी खबर हासिल ना होने की वजह से फिर इनकी उम्मीद पर मायूसी की परछाई पड़ती दिखाई दे रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक आखिर वार्ड की हद यकीनी किसलिए की जा रही है और इतना ताखीर क्यों किया जा रहा है? रेवेन्यू मुलाजमीन और कॉर्पोरेशन की जानिब से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। कॉर्पोरेशन महकमा के मुताबिक हद यकीनी के तौर पर स्कूल, मंदिर, मस्जिद, दरगाह को बतौर निशानदेही दर्ज किया गया। कॉर्पोरेशन दफ्तर से सही इत्तला नहीं मिल रही तो शहर तरक्याती दफ्तर से खबर को हासिल करने की कोशिश ख्वाहिशमंद कॉर्पोरेटर और साबिक कॉर्पोरेटर कर रहे हैं। तमाम ख्वाहिशमंद हजरात दो राय पर खड़े हैं, जल्द ऐलान किया जाए और वार्ड के नक्शों को जल्द मंजरे आम पर लाया जाए। तकरीबन 6.5 साल से भी ज्यादा अरसा गुजरा कॉर्पोरेशन का चुनाव ना होने की बिना पर कुछ ख्वाहिशमंद हजरात कॉर्पोरेटर का ख्वाब अपने सीने में लिए घूम रहे हैं। इनके दर्द को क्या कॉर्पोरेशन समझ नहीं पा रही, ऐसा आवाम की जानिब से कहा जा रहा है।
तरक्याती कामों को बड़े तेजी से अंजाम देने की कोशिश हुकूमत की जानिब से की जा रही है। लिहाजा बेलगाम और अतराप में भी रेल जल्द बिजली पर दौड़ने वाली है। आने वाले कुछ ही सालों में बेलगाम समेत दीगर शहरों से बिजली पर रेल चलने वाली है। घटाप्रभा कुर्ची लोंडा हुबली रेल सड़क है। बेलगाम शहर और अतराप में बिजली के तारों के लिए काम तेज रफ्तार से जारी है। रेल महकमा ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर बंद कामों को फिर से शुरू किया गया है। इस साल में तकरीबन 322 किलोमीटर तक बिजली पर रेल चलाने का मकसद पूरा करने की कोशिश जारी है। आने वाले 4 साल में तकरीबन रेल सड़क को बिजली के तारों से जोड़ा जाएगा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा बनाने का काम शुरू हुआ। हासिल इत्तला के मुताबिक फिलहाल हुबली रेल प्लेटफॉर्म 550 मीटर का है, पर अब इसे 1505 मीटर किया जाएगा, जिससे ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनेगा। इत्तला रेल महकमा की जानिब से दी गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।